प्लस ये ट्रेनिंग भी देते हो, अगर आपको स्टार्ट करना है ऐसा पोल्ट्री फार्म, आप देख चुके रहिए कैसा पोल्ट्री फार्म है, अगर आपको ऐसा स्टार्ट करना है, किसी को स्टार्ट करना है, तो आप उनको क्या गाइडेंस दोगे? वो एक बार मेरे फार्म पे आए विजिट डे। ऑल राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अंबरनाथ आए, अंबरनाथ में हम लोग फार्म पे जा रहे हैं। आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा फार्म में क्या क्या है, रैबिट है वो सब है, मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा, अगर आप लॉट में लोगे तो लॉट में क्या प्राइस पड़ेगा वो सब बता दूंगा। तो यहाँ से भी रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस भी बता दूंगा, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे दूंगा, ठीक है। आज अभी हम लोग फार्म के सामने आ गए, यहाँ पे है फार्म, यहाँ पे मोरे पोल्ट्री फार्म करके है, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे मतलब क्या प्राइस है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल रोड इधर रोड क्रॉस करके वो साइड है, मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा। अभी फिलहाल जाते हैं, रोड क्रॉस करके जाते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मेरा एक गरीब दोस्त खड़ा है। तो गाइज अभी हम लोग मतलब उनके जो फार्म है उधर आ गए पोल्ट्री फार्म में, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी है। तो बट ये सिर्फ अभी छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मतलब पूरा फैला हुआ है, अलग अलग पार्टीशन में रखा गया सबको, कि मतलब जो कड़कनाथ है, अलग अलग जो ब्रीड है वो उसको अलग अलग रखा गया, प्लस एग भी बेचते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे बड़ी बात को है वो लेडी है, तो वो मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं आपको उनसे भी मतलब मिलाऊंगा, उनका इंट्रो दूंगा क्या है क्या नहीं, क्या मतलब उनको डिफ़िकल्टीज आई है स्टार्ट करने में क्या नहीं आई। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मतलब ये सब पूछ लेते हैं क्या चालू है क्या नहीं, इधर थोड़ा सा काम भी चालू है तो लोग भी बैठे हैं दो तीन, तो मैं आपको सब पूरी डिटेल्स बताता वीडियो में। Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. Control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. ठीक है, तो हम लोग आप मतलब आपका नाम बताइए। मनीषा राजेश मोरे। ठीक है मनीषा मोरे, तो मतलब आप ये सब ब्रीड बनाते हो, तो मतलब ये जो है कावेरी है, ठीक है, और देसी गट्टा, तो मतलब आप ये केजी के ऊपर ही बेचते हो ऐसा? जी हाँ, ये केजी के हिसाब से ही जाता है। और ये कौन सा ब्रीड है? ये कड़कनाथ है। ठीक है कड़कनाथ है, तो आप देख सकते हो मतलब कि ये तीन वैरायटी में अलग अलग रखा है, और अंदर भी बहुत सारे, अंदर मैं आपको बताता हूँ मतलब जो, तो अभी अंदर भी मतलब एक अलग है फार्म, वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। तो चलिए मेरा आप अंदर का डिटेल्स बता दीजिए। तो इसको इसका नाम क्या है, लेइंग क्या बोले? ये लेइंग फार्म है। लेइंग फार्म, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स बताइए आप। ये जो केजेस बनाए गए हैं वो यहाँ से अंडा बाहर आता है, मतलब मुर्गी अंडा तोड़ नहीं सकती है, और जो अंडा देगी वो जो ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं, जब भी अंडा आपको आएगा तो यहाँ से कलेक्ट करना है, हाथ का इनका ठीक, मतलब ऐसा स्लोप जैसा बनाए। हाँ। तो जैसे भी अंडा गिरेगा वैसा मतलब ये ऐसा बाहर आते रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो ये जो स्लोप है, तो यहाँ से मतलब अंडा वहाँ से सीधा, अगर मुर्गी ने अंडा दी तो सीधा बाहर आ सकता है, ठीक है। तो मतलब जो मुर्गी है उन लोग के जो वाटर सप्लाई, उन लोग को जो पानी लगता है पीने के लिए, तो उसका भी अलग मतलब एक टैंक है, समझ लो वाटर टैंक ऐसा इसमें बनाया है। तो इसका कुछ पर्टिकुलर नाम है क्या, कुछ ऐसी है? लेइंग फार्म, तो ये वाटर का जो है मतलब ये क्या ऑटोमेटिक पानी है? हाँ, अच्छा, यहाँ पे चोच मुर्गी लगाएगी तो यहाँ से पानी आएगा। अच्छा, तो उसको आपको मतलब मुर्गी चोच लगाती है तो ऑटोमेटिक पानी आता है, मतलब पानी का भी वेस्टेज नहीं है। और ये आपको मतलब कितने में पड़ा है टोटल लेइंग फार्म? ये मुझे 25,000-26,000 में गिरा। अच्छा, मतलब अप्रोक्स 26,000 में इनको पड़ा है बनाने में, ठीक है। तो अभी और भी है मतलब जो इनके बच्चे है वो भी बताता हूँ मैं आपको क्या प्राइस है क्या नहीं। तो ये आप बेचते हो क्या, सिर्फ एग बेचते हो इनका? एग भी बेचती हूँ, और अगर इसके बारे में किसी को जानना है तो वो भी मैं बता सकती हूँ, ये दिलवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी ब्रीड है बोले?
ये कावेरी है। तो कावेरी का एक कप एक प्राइस क्या है? 1 एग का 13 रुपीज़ है। 13 रुपीज़ पर एग है। और अगर ज़्यादा लेंगे तो कुछ डिस्काउंट? अगर ज़्यादा आप 4 या 5 ट्रे लेंगे तो फिर डिस्काउंट से भी। अच्छा, तो आपको जैसा अच्छा, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे बात करके मतलब जो भी है व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो कड़कनाथ है उसके छोटे बच्चे हैं, तो ये कितने महीने के? ये 1 महीने के हैं। तो अगर किसी को चाहिए रहेगा तो क्या प्राइस रहेगा 1 महीने के बच्चे के? 1 महीने के बच्चे के 150 रुपया। 150 रुपया। तो इनके पास अगर आपको चाहिए तो 1 डे का भी अवेलेबल रहेगा, तो 1 डे का जो रहेगा उसका क्या प्राइस रहेगा? उसका 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कावेरी जो है ना उसके भी मतलब चूजे है, तो ये अभी फिलहाल कितने महीने के? ये 1 महीने के। 1 महीने का। इसका प्राइस 1 महीने के ये चूजे 100 रुपये में आएंगे। इसका पूरा वैक्सीन करके आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब फुल वैक्सीन करके 1 महीने के जो चूजे है कितने में? 100 रुपीज़ में। और जो 1 डे के रहेंगे वो 22 रुपीज़ में, जो मतलब 1 डे का रहेगा वो आएगा आपको। ठीक है, चूजे ये प्योर गावटी के हैं। ओके, तो ये प्योर गावटी है। तो ये कितने मंथ के है? ये 1 मंथ के। 1 मंथ। और इन लोग का प्राइस क्या है 1 मंथ का? 150 रुपये। तो 1 मंथ का 150 है, और 1 डे का रहेगा 35 रुपीज़। तो मतलब एज पर कड़कनाथ जैसा है उसका 35 रुपीज़ है, इसका भी 35 रुपीज़ है अगर 1 डे का चूजा रहेगा तो। ठीक है, और एक मतलब इधर बहुत सारे वैरायटी है हैंड्स में, मतलब एक से एक कावेरी ये वो, मैंने फर्स्ट टाइम सुना सब नाम। और ये कौन सा ब्रीड आप बताओगे? ये सोनाली का ब्रीड है। सोनाली ब्रीड। और ये कितने दिन के? आप यहाँ पे बताइए कितने दिन का है ये? ये 5 दिन के। 5 दिन के। और इन लोग का प्राइस? इनका प्राइस भी 35 रुपीज़ वन डे का रहेगा। अच्छा, और वन मंथ का रहेगा तो 150 रुपया। अच्छा, मतलब इसका सोनाली का अगर आप 1 मंथ का लोगे तो 150 है, अगर 1 दिन का लोगे तो 35 रुपीज़, राइट? ठीक है, तो आपने जो केज बनाया तो उसका नाम कुछ होगा? इसको ब्रूडिंग कहते हैं। अच्छा, ब्रूडिंग, क्योंकि बच्चे कम है और यहाँ वहाँ भागे नहीं, इसलिए बनाया हुआ है। और ये ब्रूडर है तो इसमें मतलब लाइट है, उनको हीट मिलनी चाहिए, इसलिए पैसा लगाया। तो आप ऐसा मतलब 1 मंथ के बच्चे की भेजते हो ऐसा कुछ? किसी के पास जगह नहीं रहती है या फिर उनको मालूम नहीं रहता कि छोटे बच्चे कैसे करने हैं, वैक्सीन कैसा करना है, तो फिर वो लोग यहाँ से बच्चे 1 महीने के बड़ा के लेते हैं। मतलब 1 मंथ ट्रेनिंग मिल जाते हैं? हाँ, तो जब भी 1 महीने के बच्चे में देती हूँ तो उनको सब लासोटा गंबोरा ये वैक्सीन करके ही देती हूँ। अच्छा, तो हैंड्स का मतलब 2 वैक्सीन देता है लासोटा? हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ब्रीड है कावेरी करके, तो बट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि सबको अलग पिंजरे में रखा है, तो इन लोग को ओपन क्यों रखा है आपने? ये जो है ओपन फार्मिंग इसे कहते हैं। किसी किसी को ओपन में जो खुली मुर्गियाँ रहती है चरने वाली बाहर, वो खाना अच्छी लगते हैं, उनको टेस्ट अच्छा, और ऐसा ओपन रखेंगे तो ये जल्दी बढ़ते भी है। अच्छा, मतलब जो हर किसी का अलग अलग मेंटालिटी रहता है। तो यहाँ पे आजू बाजू हम लोग ने देखा स्टार्टिंग में आते हुए तो बहुत सारे फार्म्स है, तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग क्यों आए तो कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो आप बता सकते हो कुछ आपके फार्म्स का कुछ स्पेशलाइज जो अदर्स के पास नहीं है ऐसा? यहाँ पे अगर कोई आएगा तो मेरे पास मैं बर्तन मुर्गियों के जो लगते हैं फीडिंग और ड्रिंकर वो भी बेचती हूँ, और उनकी खाद भी बेचती हूँ जो उनको लगता है, लेयर ग्रोवर सब मेरे पास है, और अंडे भी बेचते हो मतलब सब जो भी है। हाँ, सब आप स्टार्ट टू एंड जो भी आपको लगेगा, और प्लस ये ट्रेनिंग भी देते हो। अगर आपको स्टार्ट करना है ऐसा पोल्ट्री फार्म, आप देख चुके रहिए कैसा पोल्ट्री फार्म है, अगर आपको ऐसा स्टार्ट करना है, किसी को स्टार्ट करना है, तो आप उनको क्या गाइडेंस दोगे? वो एक बार मेरे फार्म पे आए विजिट डे, और मैं मतलब फार्म पे विजिटिंग करने के लिए भी जाती हूँ अलग से। अच्छा। और किसी के फार्म पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी मैं इस मतलब तो अगर मतलब आपके अगर ऑलरेडी आपका फार्म है तो आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप ये मैडम से कांटेक्ट भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको कुछ इनसे सीखना है तो आपको ये ट्रेनिंग भी देंगे, तो आपका जो मतलब कोर्स रहेगा समझ लो 1 टाइप, तो उसका फीस क्या चार्ज करोगे आप? मैं 3 से 3,500 रुपये लेती हूँ। ओके, तो गाइज आपने पूरा वीडियो देख लिया रहेगा स्टार्ट टू एंड, तो मतलब हम लोग 5 घंटा लग गया शूटिंग करने में।
तो आपने पूरा स्टार्ट टू एंड देख लिया। तो उनका ये फार्म हाउस भी बोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हो। तो मतलब वो सिर्फ ओनली लेडी है, वो पूरा बिजनेस संभालती है और उनके बैकअप में उनका सन है, वो पूरा मतलब सपोर्ट करता है। तो आप ये बोर्ड देख सकते हो, मोरे फार्म तो यहीं पे है, विज़िट कर सकते हो आप जब विज़िट करना चाहोगे। और इधर मेन हाईवे है तो आप कभी भी आ सकते हो मेन हाईवे से। मैं आपको पूरा मतलब एड्रेस बता सकता हूँ। मेन आपको अम्बरनाथ स्टेशन पे उतरना है, तो आपको फर्स्ट अम्बरनाथ स्टेशन पे उतरना है ईस्ट में। तो वहाँ से आपको रिक्शा मिलेगा, यहाँ पे हिंदू शमशान भूमि करके बोलते हैं, 20 रुपीज़ लेता है पर सीट। तो आपको वहाँ पे छोड़ेगा वहाँ पे ये, तो वहाँ से आपको चल के आना है यहाँ पे। सामने भी मतलब ऐसे झाड़ है बहुत सारे, तो उसके सामने ही ये आपको दिख जाएगा बोर्ड, मोरे पोल्ट्री फार्म करके। और इनका जो प्लॉट नंबर है वो 403 है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।